एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब भी दुआ कीजिए हम हमेशा अच्छे और स्वस्थ रहें। तो आज का हमारा वीडियो है एक कपल टॉक शो, जो कि मोमेंट्स विथ मैच। तो आप सब लोग ने सुना ही होगा, प्यार दोस्ती है। जहां प्यार दोस्ती नहीं होता, वहां अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते। और आज की हमारी जो कपल है, उनकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है। तो आइए सुनते हैं उनसे ही, उनकी कहानी उनकी जुबानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग आवर सीजन्स फर्स्ट कपल, आकाश एंड रेविता। हेलो, ये वी आर एक्साइटेड टू बी द फर्स्ट कपल ऑन दिस शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, वी आर एक्साइटेड। थैंक यू। सो टेल अस अबाउट योर स्टोरी, फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स टू डेटिंग ईच अदर और बिकमिंग पार्टनर्स। Okay, there was no single specific day when I can recall when this friendship turned to this relationship. So would you like to start from where did we start back 10 years? 10 years का तो नहीं पता। हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, मतलब एक ही स्कूल में, almost class 6 में first time एक साथ पढ़े थे। तो तब से एक दूसरे को जानते हैं। properly एक दूसरे को जानने लगे जब हम लोग class 9 में थे, मतलब was around 2008 or 9। तब से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। क्लास 10 में जाके कुछ हुआ, तब से लेके अभी तक साथ ही हैं हम लोग। And to mention, it was class 10 का राखी में ही proposed, that too not in intention to propose, but the story. Actually कुछ ऐसा था कि इनका जो सबसे best friend थी उस time class में, उनको मैं बोला था मुझे राखी पहनाने के लिए, और रविता को ऑब्वियसली नहीं बोला था राखी पहनाने के लिए। ओके, तो एंड आई वाज फीलिंग सैड कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को राखी पहनाने बोला है, लेकिन ही डिडंट टेल इट। आई वाज फीलिंग अ बिट यू नो लेफ्ट आउट काइंड ऑफ। तो उसके बाद यू कंटिन्यू। उसके बाद ऐसा हुआ कि राखी वाले थी, सबसे तो अच्छा बात ये कि रविता आई नहीं थी स्कूल में। अच्छा, मतलब उनको भी पता चल गया होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्या हुआ था, पर आई तो नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया था। और इनका जो बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने जब मुझे राखी पहना रहा था, दैट टाइम शी आस्क्ड मी दैट क्लास में सबसे अच्छा किसे लगता है, मतलब लड़कियों में सबसे अच्छा किसे लगता है। उनको ऐसे ही जैसे क्लास 9-10 का माहौल होता है, टीनेज वाला। तो उस टाइम उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने स्पॉन्टेनियसली इनका नाम लिया, रविता का नाम लिया। तो पर उस टाइम मैंने तो ऐसे ही ये किया था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जाके मेरे भी आपने तुम प्रपोज आगे कर देना, ये नहीं भी करो ऐसा भी नहीं बोला था। मैं भी कुछ डायलेमे में था। okay. somehow, उसके अगले दिन ही शायद तो रविता को फ्रेंड्स का बहुत अच्छा क्लोज मतलब था। क्या आप लोगों में दोनों में भी मतलब एक दूसरे को पता था कि हाँ कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए, तुम हाइड क्यों कर रहे हो। वो लोग एक्चुअली रविता को जानती भी है, तो
बोले ठीक है, हाँ, अगर सीरियस हो क्योंकि सब फैमिली कुछ देखी हो उसने तो वो घर काफी में पता टाइम देना से चाहिए, यू चली शुड थैंक दिस फॉर योर पेरेंट्स, ऐसा हुआ। पर मेरे लिए मेरे मम्मी स्कूल टीचर है, तो बाय डिफॉल्ट ही थोड़ा टीचर से डरने वाला चीज हमेशा रहता, मम्मी से रहता था उतना, मतलब पहले भी तो मम्मी वो से वाला पर वो चीज भी नहीं था कि घर पे पेरेंट्स को मनाना है एक दूसरे के शादी करने के लिए, बात पेरेंट्स ये बोलना। कि एक पॉजिटिव चीज था कि हम लोग के पेरेंट्स और फैमिलीज एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि बहुत छोटे से देख रहे हैं दोनों को। मेरे घर पे ट्यूशन होता था तो ये अपने मम्मी के साथ ट्यूशन पढ़ने आते थे, तो इस चक्कर में सबको हाँ, एक मतलब इनिशियली एजुकेशन। मुझे मेरे मम्मी को जब हाँ पता चला तब मम्मी थोड़ा गुस्सा की थी कि अरे तुम मुझे हाँ कभी बोले ही नहीं, वो दे हमेशा घर में एक्सपेक्टेड अस आती थी। ओनली फ्रेंड्स बट दे डिडंट हाँ एक्सपेक्ट एनीथिंग हाँ बियॉन्ड मतलब ओनली मेरे पीठ पीछे फ्रेंडशिप। इतना कुछ, इतना टाइम से चल रहा है मुझे नहीं पता। तो उस टाइम मेरे पापा बहुत सेवियर बने मेरे, पापा को ओके, मैंने अच्छा से समझाया पटा लिया। पापा बिकेम फ्रेंड, हाँ पापा ने ही पूरा मम्मी को गेम समझा चेंजर बन के पूरा कन्विंस कर दिया, दिया। और मेरे केस में एक्चुअली मम्मी पापा कभी कोई कभी अगेंस्ट समझ नहीं थे। गए। हाँ वो दे इवेंचुअली अंडरस्टूड बट कभी एक्सप्रेस नहीं किए थे, ऐसा बात है। बट मेरी मम्मी को हमेशा डर था कि पता नहीं इसके मम्मी कैसे इस चीज को लेगी, व्हाट इफ शी गेट्स एंग्री, मतलब अभी जो मेरी करेंटली सास है। तो उस चक्कर में मेरी मम्मी बोलती थी कि वो देख लो समझ के करना, मतलब ऐसे स्टेप मत लो कि ये हो जाए। हाँ तो फोटो वोटो लगाने के मेरे पापा तो कभी कभी बोलते थे कि ऐसा कुछ मत लगाओ जिससे मतलब ये हो सके, बस इतना इतना नॉर्मल, बाकी एक्सेप्टेंस इतने तो करते ही हाँ हैं। हाँ मतलब एक्सेप्टेंस तो हाँ फैमिली के साइड से इनके फैमिली तो ऐसे बहुत मनाने का कूल बहुत जरूरत नहीं पड़ा। बट बाय 2018-19 हम लोग बोले कि 2020 तक शायद हम लोग वी आर रेडी टू सेटल डाउन, बिकॉज है। हाँ हम लोग को भी फ़रवरी लग रहा था। 2019 में इनके पेरेंट्स मेरे हम लोग के घर हाँ आए, मेरे फॉर्मली पेरेंट्स फॉर्मली सबसे मिले। पहले तो मतलब इनके पापा आके एक बार मेरी मम्मी से बात किए थे, फिर मम्मी ने बोला ठीक है थोड़ा पढ़ाई खत्म हो जाए फिर ये हम तो लोग, पापा जाके अचानक इनके मम्मी के तब साथ हम लोग बात किए कॉलेज में ही 2016 में, मतलब मेरे हाँ थे, मेरे लास्ट ईयर ऑफ फाइनल कॉलेज में लेक्चर थे, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है ऐसे थोड़ा ही, पढ़ाई मतलब खत्म हो ऐसे ही हम जाए। लोग मैं जा रहा था, मैं और पापा कार में थे, पापा बोले इनके ग्रैंडफादर की तबीयत थोड़ा खराब था, तो बोले कि उनका तबीयत कैसा है, मैं बोला बहुत अच्छा नहीं है ठीक है, तो बोले ठीक है चलो एक बार हालचाल पूछ के आते हैं। ऐसे ही मुझे बोले थोड़ा उनके घर तरफ गाड़ी ले लो, मैं भी ले अच्छा लिया, गए मिलने और पापा इनके मम्मी के साथ सीधा दादाजी को शादी का बात लेके देखने बैठ आए गए। मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल ऐसे सिचुएशंस में हम लोग ऐसे नॉर्मल डिस्कशन, और जिस टाइम शादी के लिए बात करने गए उस टाइम हर एक ऐसे बात हुआ शादी को छोड़ के, तब नॉर्मल हाँ, सारा आज ऐसी तक बात। मेरी दादी जी बैठी थी तो वो बोले असली मुद्दे पे तो आप लोग बात हाँ करो, इधर उधर का शादी बात मीटिंग राउंड तो कुछ चल रहा हाँ है। शादी का बात हुआ ही नहीं ऐसे चक्कर में पहले, तो हम लोग का शादी भी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि फोन पे व्हाट्सएप पे से डिस्कस करते करते ही फिर डिसाइड हो गया। चलो बहुत बढ़िया, तो इसीलिए आज हमारे साथ इतने क्यूट कपल। चलिए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि है अबाउट ईच अदर सेगमेंट, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप इनके बारे में जवाब देना और आप उनके बारे में, ठीक है? तो थ्री थिंग्स यू लाइक अबाउट ईच अदर। ही फर्स्ट बोलने को तो बहुत कुछ है, तो बोल गया। एक तो है शी कुक्स रियली नाइस, लास्ट 2 साल में मेरे साथ शादी होने के चलते ही सीखी पूरा, पर बहुत अच्छा सीख गई। हाँ ठीक है, थ्री पहले बोलने दो, थ्री थिंग्स। ये फर्स्ट था। हाँ सेकेंड है शी रियली हैज अ प्रिटी केयरिंग हार्ट, क्योंकि मैं देखा हूँ कोई भी छोटा से छोटा चीज होता है जो जिसमें मैं उतना दिमाग नहीं भी लगाता हूँ, और इसके दिमाग में हर वो चीज रहता है किसी को हेल्प करने के लिए हो, किसी के लिए कंसर्न हो के हो, वो फेक कंसर्न नहीं होता, ये अच्छा चीज है। ओके और थर्ड थर्ड चीज अभी अभी थर्ड चीज रिसेंटली मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, क्या तुम पहले अपना दो और बोल लो तब तक मैं सोच के अपना थर्ड वाला मतलब बोलूंगा। सोचना पड़ रहा है तुमको इतना। देख कुछ अच्छा से जेन्युइनली सोच के अरे बोलेगा ना। फर्स्ट तो आई टाइम व्हाट आई हैव लर्नड इज पेशेंस फ्रॉम हिम, मेरा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी मेरे को गुस्सा आ जाता है किसी चीज में, इरिटेशन। तो आई हैव लर्न कि पेशेंस किसको कहते हैं, सो ही इज दैट डेफिनेशन ऑफ पेशेंस फ्रॉम, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज है इसका। बिल्कुल सेकंड है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, लोगों से रिलेशनशिप बनाना और मेंटेन करना,
जैसे मेरा दोस्तों से मेरा शायद बात नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ हिम आई कुड रिकनेक्ट विद लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स. तो उसके चक्कर में लोगों के साथ रहना, ये चीज़ आई हैव सीन. एंड थर्ड इज डेफिनेटली केयरिंग सबके लिए, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑफिस कलीग हो, दोस्त हो, फैमिली हो, कि हर एक छोटा मेरा छोटा पॉइंट था। चीज़. तो वी कनेक्ट ऑन दैट सेम थिंग, दैट्स व्हाई प्रोबेबली वी लाइक ईच अदर. हाँ तो थर्ड पॉइंट मेरा आपका, हिसाब से थर्ड पॉइंट मुझे लग रहा है ऑन सीरियस नोट, एडजस्टमेंट। मैं इनसे ज्यादा सीख रहा हूँ हाउ टू एडजस्ट और टू कोप अप विद एनी सिचुएशन। ये रांची में आना हो, नया घर ढूंढना हो, वहाँ पे सेटअप करना हो, नया कोई प्लान अचानक आ रहा है उसमें एडजस्ट करना हो, इसके साथ तो मैं अच्छा से अभी जलप हो जा रहा हूँ। वेरी गुड. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री थिंग्स दैट इरिटेट्स यू. इरिटेट्स इनडिसिसिव, किसी चीज में हाँ या ना क्लियर नहीं बोल पाता, अभी हाँ फिर दूसरा मैं ये कर ले, नहीं, ऐसा एक कांस्टेंट चेंजिंग ऑफ माइंड्स इज व्हाट इरिटेट्स मी. सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल दो. बोलो बोलो, रिवील होना चाहिए सब कुछ यहाँ पे. ही कीप्स ऑन डिगिंग नोज दैट आई हेट अबाउट हिम आपने कभी देखा है? अच्छा कभी एक दिन कर रहा था, वो उसका फोटो खींच के रख नहीं, दिए। उसका छोटा एज की फोटो भी है जहाँ पे भी ही वाज स्टिल डिगिंग व्हेन ही वाज जस्ट 4 or 5 years old. और अभी रिसेंटली आई हैव प्रूफ, ठीक है, आई कैन शो यू. एनीवे दिस इज द सेकंड थिंग. एंड थर्ड वन ही इज क्यूट, ही इज नॉट नो थर्ड. वो थोड़ा उस चक्कर में आई हेट ही वॉचेस तारक मेहता का उल्टा अब वो तो छोड़ ही दिया होगा एक बार। प्लीज तारक मेहता के बारे में कुछ ना बोलना। सो आई हैव लॉट ऑफ यू नो पीपल फेवरिंग तारक मेहता. ओके ओके चलो आज देखेंगे। हाँ तो थर्ड क्वेश्चन इज वन क्यूटेस्ट हैबिट, जो बहुत क्यूट लगता है, क्यूटेस्ट हैबिट या जेस्चर कुछ भी. ओ कदर्स मेरे साइड से भी। कदर्स अ लॉट. अरे वाह क्या बात है। तो तुम मतलब कभी 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 मैं इरिटेट हो जाती हूँ इस करता है। आप बताओ क्यूटेस्ट हैबिट। मेरे लिए वही है, हग करते दोनों। हमेशा मिरर के सामने अपने आप को देखता रहेगा.
who shops more? Flipkart and window shopping. Okay. Who skips bathing the most? दोनों को दिखाना चाहिए. Alternately या एक साथ. ये दोनों गूंगे बन गए हैं अभी. Who is a picky eater? Choosy कौन है ज़्यादा? मैं. Okay. Who controls the TV remote? ये तो मैंने कुछ और ही सोचा था. क्योंकि उसको कुछ सोचता नहीं मुझे इसे कुछ. Okay. Who is bad at remembering dates? Okay, very nice. Who paid on the first date? We shared basically all Puchka this. Date. Puchka date. We generally used to share. Okay. Who is the one who constantly losing their stuffs? हमेशा कौन भूल जाता है? ओके. I mean myself. ये तो एक तरफा हो गया. Who shares larger portion of wardrobe? अरे बाप रे. Who says sorry first after a fight? बोला बोला. कौन है वो? अरे वो खुद को दिखा रही है. मैं हूँ. I'm honest. Who looks better today? Always. You can see this one. Makeup ये किया तो इनको होना चाहिए. Who is messier? Both of us. Both. Okay. Who snores louder? Definitely. मुझे बोला गया है इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ. मुझे इनका पता नहीं. मैं सो जाता हूँ. कभी सुना होगा ना. ठीक है, चलिए हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस. आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा. आप लोगों को कैसा लगा ये सेगमेंट? बहुत सही लगा. बहुत मजा हुआ. बहुत मजा से लास्ट सेक्शन तक सब मजा लगा. पूरा मेमोरीज रिकॉल भी हो गया हम लोगों का. हाँ. क्या बात है. वही तो चाहिए था. डिवीजन ऑफ चैप्टर्स ऑफ दीस डेज. पूरा डिवीजन हो गया. बिल्कुल ठीक है. बस वो शेयर हमारे साथ करने के लिए आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है पर हमारे शर्मिली की सफर के चैनल के तरफ से. थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम. अगर आप सब लोग को आज का वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट टू माय चैनल शर्मिली की सफर. और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए. और ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियोस के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए.